हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. आई एम राहुल भटनागर. आज का हमारा ये वीडियो अभी डेप्रिसिएशन के चैप्टर को कंटिन्यू करेगा. उम्मीद करता हूँ अब तक हमने जितना डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ा है अच्छे से आपने समझा होगा. अब तक स्टूडेंट्स हमने डेप्रिसिएशन की थ्योरिटिकल एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से समझा है. हमने समझा है डेप्रिसिएशन क्या होता है, वाई डेप्रिसिएशन इज़ चार्ज्ड एंड वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल द बिजनेस एंटरप्राइजेस टू चार्ज डेप्रिसिएशन एंड मेक डेप्रिसिएशन अकाउंट सेपरेटली. इसके अलावा हमने डेप्रिसिएशन के ऑब्जेक्टिव समझे हैं और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है डेप्रिसिएशन के को चार्ज करने के लिए, फैक्टर्स ऑफ डेप्रिसिएशन वो हमने समझा है. और इसके लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हमने डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के जो दो मैथड्स हैं जिनको हम बोलते हैं मैथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन या रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, और कभी कभी इनको बोला जाता है मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन. उन दो मेथड्स के ऊपर लेकर हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था. तो मैं आपको फिर से थोड़ा सा रिकैप करते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं आपको, क्योंकि समझाना बार बार बहुत ज़रूरी है. मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, दो मेथड्स हमने बताए थे डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए. वन इज़ चार्जिंग डेप्रिसिएशन डायरेक्टली टू द एसेट अकाउंट, चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू एन एसेट अकाउंट. इस मेथड के अंदर एक जर्नल एंट्री की जाती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम डेबिट करते हैं टू एसेट अकाउंट. इट मींस डेप्रिसिएशन को डायरेक्टली हम एसेट अकाउंट को चार्ज करते हैं, एसेट अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं. इसका मतलब एसेट की वैल्यू को हम डाउन कर रहे हैं, कम कर रहे हैं. दूसरा एक और मेथड था व्हेन प्रोविजन इज क्रिएटेड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड. इन दोनों में हमने डिफरेंस समझा था कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है और दोनों के अकाउंट्स में रिप्रेजेंटेशन में क्या फ़र्क है. दोनों दोनों मेथड से नेट रिज़ल्ट सेम रहेगा, हमारी बैलेंस शीट्स का में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, रिज़ल्ट सेम रहेगा. सिर्फ से इस मेथड के अंदर हम एक प्रोविज़न बनाते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम डेबिट करते हैं प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. फर्स्ट मेथड में एक डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है और दूसरा बनता है मशीन अकाउंट. सेकेंड मेथड में एक बनाएंगे हम डेप्रिसिएशन अकाउंट, दूसरा बनाएंगे मशीन अकाउंट या एसेट अकाउंट कह लीजिए, एसेट अकाउंट. और थर्ड हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. ये तीन अकाउंट बनेंगे. स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में ये भी आ सकता है शो ऑल अकाउंट्स व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड. अगर ये लिखा हुआ आता है तो आपने ये तीन अकाउंट बनाने हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीन अकाउंट एंड प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. अदरवाइज़ कुछ नहीं लिखा हुआ आता है तो आपने अपने जो हमारा नॉर्मल तरीका है उसी को ही फॉलो करना है, हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीन अकाउंट बनाना है. तो ये था स्टूडेंट्स मैथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, मैथड्स ऑफ आज के इस वीडियो में हम समझेंगे मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन. स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के बहुत से मेथड्स हैं, अभी मैं इसको रब करके उन मेथड्स को लिखूंगा. आपको बहुत ध्यान से उनको देखना है और समझना है, क्योंकि डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन किसी भी अकाउंट्स के एग्ज़ाम में ना आए ये तो हो ही नहीं सकता. इसके थ्योरेटिकल पार्ट भी आता है, MCQ में भी आ जाता है और न्यूमेरिकल भी आता है, तीनों पार्ट आते हैं. आपने थ्योरी भी बहुत अच्छे से करनी है और न्यूमेरिकल तो करना ही है. तो अभी मैं इसको रब कर रहा हूँ और अब हम करेंगे मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन. वेलकम बैक स्टूडेंट्स. डेप्रिसिएशन कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ थ्री मेथड्स.
वन ऑन द बेसिस ऑफ ईयर्स, ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स। देखिए एक मेथड है इनका ऑन द बेसिस ऑफ ईयर्स, एक मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स। ये ओवर्स और ये ईयर्स, अभी मैं इनका आपको डिफरेंस बताऊंगा। और थर्ड मेथड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स। अब हम तीनों मेथड्स को समझते हैं। पहला मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन इज ऑन द बेसिस ऑफ ईयर्स। इसमें थ्री पार्ट्स हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड SLM बोलते हैं इसे, दूसरा रिटन डाउन वैल्यू मेथड WDM, और थर्ड इज सम ऑफ डिजिट्स मेथड, सम ऑफ डिजिट। ऑन द बेसिस ऑफ ईयर्स देयर आर थ्री मेथड्स। स्ट्रेट लाइन मेथड्स, इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड परसेंटेज मेथड या फिक्स्ड एसेट्स मेथड भी बोला जाता है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसको हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। एक है सम ऑफ डिजिट्स मेथड ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स। यहाँ पे मशीन डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं, कितने साल तक चलेगी हमारी एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स मशीन की। यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स, कितने आवर्स तक मशीन काम करेगी। इसमें हम कैलकुलेट करते हैं मशीन ओवर रेट, इसको MHR भी बोला जाता है, मशीन ओवर रेट। ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स, इसमें भी दो तीन तरीके के मेथड्स हैं। वन इज प्रोडक्शन यूनिट मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, एंड अनदर इज डिप्लीशन मेथड, डिप्लीशन मेथड। सेकेंड मेथड पे आ जाइए, ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स, जैसे कि मैंने बोला कितने आवर्स मशीन काम किया। जो फैक्ट्रीज में हमारी मशीन्स लगी हुई होती हैं उनकी ईयर्स के बेस पे भी होता है कैलकुलेशन, और आवर्स के बेस पे भी होता है कि इतने घंटे चलेगी ये मशीन, 100,000 आवर्स, 50,000 आवर्स तक इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है। इवन हमारी जो ट्यूबलाइट्स आती हैं, बल्ब्स आते हैं, LED बल्ब्स आते हैं, उनके बारे में भी आपने सुना होगा, कहा जाता है कि जी 1,000 आवर्स चलेगी या 5,000 आवर्स चलेगी। ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स, इसके बेस पे भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। आपने इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है प्रिंटर की मशीन, हमारे जो फोटोकॉपियर और प्रिंटर की मशीन है यूनिट्स बेस्ड होते हैं कि ये 10,000 कॉपीज तक निकाल देगा। सुना है ना हमने कि इतनी कॉपीज को प्रिंट करेगा, तो उसके बेस पे यूनिट्स के बेस पर भी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया जाता है। इसमें दो मेथड्स होते हैं, प्रोडक्शन यूनिट मेथड और डिप्लीशन मेथड। ये सारे मेथड्स स्टूडेंट्स आपकी 11th क्लास के बुक में नहीं है, और 11th क्लास के स्टूडेंट्स को एक बात की और खुशी होनी चाहिए कि ये सब मेथड्स उनके सिलेबस में हैं ही नहीं। उनके सिलेबस में सिर्फ से स्ट्रेट लाइन मेथड्स और रिटन डाउन वैल्यू मेथड्स ही हैं, ये सारे मेथड्स नहीं हैं। लेकिन मुझे लगा कि आपको शेयर करना चाहिए ये सारी बातें, आपको पता होना चाहिए क्योंकि आगे आपके ये काम आएंगी। 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ से ये दो मेथड्स हैं, हम अभी इन दोनों मेथड्स को करेंगे, इन मेथड्स को अभी नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलते हैं हम फिर अभी अपने पहले मेथड को लेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड्स को समझेंगे। अभी मैं इसको रब करता हूँ और फिर स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड्स को अच्छे से समझेंगे, इसका न्यूमेरिकल्स भी समझेंगे और इसमें क्या क्या कंडीशंस हैं इसकी, उसको भी समझेंगे।
वेलकम बैक। हमारा फर्स्ट मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड्स, थ्री फैक्टर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमें डेप्रिसिएशन इस मेथड से कैलकुलेट करने के लिए तीन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है जिसके बेस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। नंबर वन क्या चाहिए हमें? हमको चाहिए है कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स। वी मस्ट नो द कॉस्ट ऑफ एन एसेट। सेकेंड चीज जो जरूरी है डेट इज स्क्रैप वैल्यू, मीन्स रीसेल वैल्यू ऑफ द एसेट्स। आफ्टर द एस्टिमेटेड ऑपरेटिंग लाइफ ऑफ द एसेट्स, कितने में ये एसेट्स बिक जाएगी, रीसेल हो जाएगी। थर्ड, जैसे मैंने अभी बोला, यूजफुल लाइफ। मशीन की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी है? इन केस आपको स्क्रैप वैल्यू नहीं दी हुई, आपको यूजफुल लाइफ नहीं दिया हुआ, तो एक और चीज़ चाहिए। तब हमें चाहिए है रेट, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इन परसेंटेज। ये आपके लिए फोर्थ आइटम हो गया। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो हर साल सेम रहता है। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी द सेम थ्रू आउट द इट्स वर्किंग लाइफ। अगर 10 साल इसकी अगर एस्टिमेटेड लाइफ है तो एक बार जो हमने डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकाल लिया वो सेम रहेगा, सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। सेकेंड इज रेट। इन केस द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, तो डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। फॉर एग्जांपल, अगर ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख रुपया है तो, और 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, तो 10,000 रुपीज़ एवरी ईयर उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। थर्ड, एक और फैक्टर है इसके लिए, हमारा जो ईयर है यूजुअली अप्रैल से मार्च तक, ये हमारा वर्किंग ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है। इस बीच में अगर हम मशीन को खरीदते हैं या बेचते हैं, इफ़ एसेट इज परचेज्ड और सोल्ड ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ द ईयर, तो डेप्रिसिएशन भी उसी पार्ट का ही कैलकुलेट होगा। डेप्रिसिएशन अमाउंट विल बी प्रपोर्शनेट टू दैट पार्ट ऑफ द ईयर। एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने 1 जुलाई को कोई मशीनरी खरीदी है, इट मीन्स हमारे अप्रैल, मई और जून 3 महीने तो निकल गए। अब जुलाई से लेकर हमें नेक्स्ट ईयर मार्च तक के कितने मंथ्स हो गए, ये हमारे 9 मंथ्स। सिमिलरली, अगर 1 अक्टूबर को खरीदी है हमने, तो कितने महीने रह जाएंगे? अक्टूबर से लेकर नेक्स्ट मंथ मार्च तक के, तो हमारा 6 मंथ्स का ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? इतना फिर से बता देता हूँ। इफ़ द मशीन और एसेट इज यूज्ड फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर, पूरे साल नहीं यूज होती है, देन ओनली प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड। अगर 9 महीने यूज हुई है तो 9 महीने यूज करेंगे, और 6 मंथ्स यूज हुई है तो हम 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और बताता हूँ स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन 2 चीज़ों का गेम है। एक तो आपको अभी जैसे मैंने बताया, आप हमारा डेट का, डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ एक्विजिशन या डेट ऑफ सेल, किस डेट को परचेज किया हमने, इन सब बातों का ध्यान रखना है, कब सेल किया, कब खरीदा। दूसरा रेट, परसेंटेज। इन केस आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर एनम, अगर ऐसे लिखा हुआ है पर एनम, ध्यान दीजिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पर एनम, तब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इस बेस के ऊपर, मींस जितने पार्ट में, पार्ट ऑफ द ईयर मशीन यूज हुआ है उसी पार्ट पे हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, उसी पीरियड पे हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अगर मशीन 9 मंथ्स के लिए यूज़ हुई है तो 9 मंथ्स, 6 मंथ्स के लिए यूज है तो डेप्रिसिएशन भी 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट होगा। इन केस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ डेप्रिसिएशन रेट इज 10%, आपको पर एनम नहीं लिखा है, दोबारा सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ,
आपको पर एनम नहीं लिखा है, डेप्रिसिएशन रेट इज़ 10% ऐसा दिया हुआ है, तब डेप्रिसिएशन इज़ टू बी चार्ज फॉर द फुल ईयर, तब हमने इस कंसेप्ट को नहीं यूज़ करना। इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल, हमें 10% फुल ईयर पे लगाना है। जो भी रेट दिया हुआ है, 10 है, 15 है, 20, जो वट एवर द रेट इज़ गिवन, वो फुल ईयर पे, डेप्रिसिएशन पूरे साल पर चार्ज होगा। ये इसलिए ध्यान रखना है हमें डेट का और रेट का, इन दोनों चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। अब हम सीखते हैं हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन अमाउंट अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट, ये तो ज़रूरी है ही, देखिए कॉस्ट ऑफ एन एसेट। कॉस्ट में अगर हम कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस है तो हम वो ऐड कर देंगे। ध्यान रखिएगा, इंस्टॉलेशन चार्जेस जितने भी हैं वो हमारा ऐड हो जाएगा। ये हमने पिछले वीडियो में इस कॉस्ट कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझा है। इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड होंगे तब हमारी ये एक्चुअल कॉस्ट आ गई। इसके अंदर से स्क्रैप वैल्यू माइनस हो जाएगी। अगर हम कॉस्ट में से रीसेल वैल्यू माइनस कर देते हैं तो क्या आता है हमारा डेप्रिशिएबल वैल्यू। डेप्रिशिएबल वैल्यू इसको डिवाइड करना है हमने यूजफुल लाइफ से। इन केस आपको स्क्रैप वैल्यू और यूज़फुल लाइफ नहीं दिया हुआ है, आपको डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है, तो फिर सेकंड मेथड क्या होगा हमारा, कॉस्ट इनटू में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। जो हमारा परसेंटेज ऑफ रेट दिया हुआ है उससे हम सिर्फ से एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट कौन सी, कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस, उसको हम अगर रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पर ईयर। और एक बार ये अमाउंट कैलकुलेट हो जाने के बाद स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल में उतना ही अमाउंट हम डेप्रिसिएशन का चार्ज करेंगे, एसेट्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। और डेप्रिसिएशन को हम एक एक्सपेंस मानते हैं तो इसको P&L अकाउंट में डेबिट कर देंगे। अब स्टूडेंट्स, मेरा एक सवाल है आपसे। फॉर एग्जांपल, आपको कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट इज 1 लाख एंड डेप्रिसिएशन इज 20,000 रुपीज़, तो आप रेट कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, कितना परसेंट डेप्रिसिएशन का है? छोटा सा सवाल है, बिल्कुल जीके का, बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। आपको सिर्फ से रेट निकालना है, आपको कॉस्ट दे दिया, डेप्रिसिएशन दे दिया, रेट बता दो कितना होगा डेप्रिसिएशन का। अच्छा चलो, आप ये बताओ, जब 9th और 10th क्लास में आपके नंबर आते थे तो आप उसको परसेंटेज में कैसे बताते थे? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके 400 मार्क्स आए हैं, ठीक है, मम्मा पूछती थी कितने में से हैं 400, आप कहते थे कि 500 में से हैं, तो कितना परसेंट हो गया? इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और आप कह देते हैं जी 80% है। आई होप 80% मार्क्स तो आते ही थे आपके, है ना। सेम यहाँ अप्लाई करना है, आपने रेट आपको कैलकुलेट करना है, डेप्रिसिएशन को आप डिवाइड कर दीजिए कॉस्ट से। कैसे करेंगे, 20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख रुपीज़ इंटू में 100, कितना आ गया हमारा रेट, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ 20%। सिंपल, आई होप स्टूडेंट्स आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अच्छे से समझने के लिए हम एक, चलिए इलस्ट्रेशंस लेते हैं, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लेते हैं। ऐसी इलस्ट्रेशंस लेंगे जिसके अंदर ड्यूरिंग द ईयर किसी मशीन को ख़रीदा भी है और ड्यूरिंग द ईयर मशीन को बेचा भी है। उस इलस्ट्रेशंस में हम देखेंगे कि कैसे डेप्रिसिएशन को निकालना है और मशीन की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करना है। तो मैं अभी इसको, चलिए, रब करता हूँ और फिर एक इलस्ट्रेशंस लेके आता हूँ आपके पास, TS ग्रेवाल से ही लेंगे। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, अब एक इलस्ट्रेशंस करेंगे, हम समझेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड से हम इस इलस्ट्रेशन को करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर है 7, TS ग्रेवाल, पेज नंबर 14.18। ये इलस्ट्रेशन मुझे अच्छी लगी क्योंकि इस इलस्ट्रेशन में ड्यूरिंग द ईयर मशीन को ख़रीदा भी गया है और ड्यूरिंग द ईयर मशीन को बेचा भी गया है।
हमने स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके मशीन अकाउंट बनाना है इसके अंदर। मैं ये इलस्ट्रेशन पढ़ूंगा, धीरे धीरे पढ़ूंगा, आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो मैं इसका एक स्क्रीनशॉट आपके वीडियो पे लगा दूंगा। ग्रीन लिमिटेड परचेज्ड ए मशीनरी ऑन 1 अगस्त 2014 फॉर 60,000। ग्रीन लिमिटेड एक कंपनी है, उसने 1 अगस्त 2014 को मशीनरी खरीदी है फॉर 60,000। ऑन 1 अक्टूबर 2015 इट परचेज्ड अनदर मशीनरी फॉर 20,000। दूसरी एक और मशीन खरीद ली 1 अक्टूबर 2015 को। अब ध्यान से देखते चलिएगा स्टूडेंट्स, इसमें डेट का गेम है। फर्स्ट मशीन खरीदी 1 अगस्त 2014, परचेज्ड है 60,000 रुपीज़ की एक मशीन खरीदी। उसके बाद एक 20,000 रुपीज़ की एक मशीन और खरीदी है, ये खरीदी है 1 अक्टूबर 2015 में। आप इसको परचेज मशीनरी नंबर 1 कर लीजिए, इसको परचेज मशीनरी नंबर 2 कर लीजिए, ठीक है। एक समरी हम बना रहे हैं यहाँ पे, आगे पढ़ते हैं। ऑन 30th जून 2016 इट सोल्ड द फर्स्ट मशीन फॉर 38,500। 30th जून 2000, डेट्स का ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, 30th जून 2016, ये जो मशीनरी है इसको बेच दिया, सोल्ड फर्स्ट मशीनरी 38,500 में। पहली मशीन को सोल्ड कर दिया है, एस मन लिख दिया मैंने, एस मीन्स सोल्ड और पी मीन्स परचेस्ड, 38,500 में। और आगे चलते हैं। एंड ऑन द सेम डेट परचेज्ड ए न्यू मशीनरी फॉर 50,000, यानी कि 30th जून को ही, 30th जून 2016 को एक और मशीनरी परचेज कर ली गई, परचेज मशीनरी नंबर 3, कितने के लिए, 50,000 रुपये के। और आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड 20% पर एनम ऑन द कॉस्ट ईच ईयर एंड अकाउंट्स आर क्लोज्ड ईच ईयर ऑन 30th मार्च, शो द मशीन अकाउंट फॉर द 3 ईयर्स। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इसमें दिया हुआ है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 20%। इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन मेथड के अगेंस्ट में हमने 20% चार्ज करना है, वही एवरी ईयर उसी को ही हम चार्ज करेंगे, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी सेम। हमें 3 साल का मशीन अकाउंट बनाना है और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, और आफ्टर 3 ईयर्स मशीन की क्या वैल्यू रहेगी ये हमें बताना है। तो अब हम शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, ये मैंने एक समरी बना दी है। एक मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप भी एक क्वेश्चन पढ़ के हमेशा एक समरी बना लिया कीजिए कोने में कहीं पर, जिससे कि आपको बार बार एक तो क्वेश्चन नहीं देखना पड़ेगा और सेकेंडली आपको रेडी रेकनर सामने रहेगा। तो 1 अगस्त 2014 को पहली मशीन खरीदी है हम, 1 अगस्त 2014, बाय बैंक अकाउंट, हम मान के चल रहे हैं कि हमने पेमेंट बैंक से करी है, 60,000 रुपीज़, ठीक है। मशीन अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया बैंक अकाउंट से, बैंक से पेमेंट हुआ है। अब हमारा अकाउंट कब क्लोज हो रहा है, 31st मार्च, पहला साल कब ख़त्म होगा, 2015 में ख़त्म होगा। सबसे पहले डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने से डेबिट करेंगे, अब ये रेट बताइए, इसका रेट हमें दिया हुआ है 20%। ना इसमें हमें स्क्रैप वैल्यू की ज़रूरत है, ना इसके अंदर हमें यूज़फुल लाइफ की ज़रूरत है। इसके अंदर जब रेट दे दिया है तो हमें सिंपली रेट कैलकुलेट करना है। अब अगस्त में ख़रीदी गई है, इसका मतलब अप्रैल मई जून जुलाई, 4 मंथ्स तो निकल गए। अगस्त से लेकर नेक्स्ट ईयर मार्च तक के कितने महीने होते हैं, 8 महीने, और 60,000 की कॉस्ट है, तो इट मीन्स हमारा डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा, 60,000 पे 20% निकालना है, और कितने महीने का निकालना है, हमने 8 महीने का निकालना है, क्योंकि 4 महीने बाद मशीन खरीदी गई है अगस्त में। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 8,000 रुपीज़। 8,000 रुपीज़ कैसे निकाल दिया स्टूडेंट्स मैंने फटाफट, देखिए अगर पूरे साल का होता तो कितना होता, 20% के हिसाब से 12,000 रुपया। 12,000 रुपया अगर एक साल का है तो इसका मतलब 1 महीने का 1,000 रुपया, तो 8 महीने का
8,000 रुपया। तो इस तरह आपको शॉर्टकट्स भी लेने हैं। एवरी टाइम अगर आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो बहुत लंबा मुश्किल पड़ेगा और टाइम कंज्यूम होगा आपका। तो चलिए आगे चलते हैं। अब फर्स्ट ईयर में हमने डेप्रिसिएशन को 8,000 रुपीज़ से डेबिट किया है। अब बाय बैलेंस CD कितनी वैल्यू है हमारी यहाँ पे? 60,000 फर्स्ट ईयर। 60,000 से हम इसको क्लोज कर देंगे। बैलेंस बचा हमारी 52,000। इट मींस मशीन की वैल्यू जो 60,000 थी मार्च में, मार्च 15 में, वो 52,000 रह गई। अब अप्रैल 15 में हम इसी अमाउंट को लेके चलेंगे। बैलेंस यहाँ पे भी 2 आएगा स्टूडेंट्स, 2 बैलेंस BD। हमने 52,000 को ब्रॉड डाउन किया है, हमने मशीन की वैल्यू को कब किया है? 1 अप्रैल 2015। ठीक है, अब देखिए डेप्रिसिएशन इसका क्या निकलेगा। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कब क्लोज कर रहे हैं हम? 31 मार्च 2016। 20% है 60,000 पे, फुल ईयर का ही निकाल रहे हैं हम। इस पे फुल ईयर का हम निकालेंगे तो 60,000 × 20% 12,000 रुपीज़। ठीक है, 60,000 को आपने सिंपली 20% निकाल दिया तो कितना आ गया? 12,000। अब इस साल में और भी कुछ हुआ। देखिए 1 अक्टूबर 2015 को एक मशीनरी और ख़रीदी गई है, तो हमने लिखा 2 बैंक अकाउंट कितने के लिए? 20,000 के लिए। कब लिया? 1 अक्टूबर 2015। इस मशीन का जो डेप्रिसिएशन है ये भी कैलकुलेट करना है हमने। 20,000 है इसकी कॉस्ट 1 अक्टूबर को, इसका मतलब 6 महीने तो निकल चुके। अब हमने, आप कैलकुलेट कर लीजिए, 20,000 × 20% का रेट है और 6 मंथ्स, 6 मंथ्स का मतलब 1/2। अब देखिए अगर फुल ईयर का होता, फुल ईयर का होता तो 20% के हिसाब से कितनी होती? 4,000। 6 महीने के हिसाब से 2,000 रुपये, आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2,000 रुपीज़ आएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा, एक और लिखी मशीनरी अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2,000 रुपीज़। अब यहाँ पे हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ये जो डेप्रिसिएशन है हमारा मशीन नंबर 1 को है, ये जो डेप्रिसिएशन है हमारा मशीन नंबर 2 पे है। क्लियर है? अब आ जाइए बाय बैलेंस, बाय बैलेंस CD मशीन नंबर 1। 52,000 की मशीन ओपनिंग थी इसकी, इसमें से 12,000 हमारे निकल गए डेप्रिसिएशन के, तो कितना बचा बैलेंस? 40,000। ठीक है, नई मशीन जो हमने 20,000 की ली थी इसमें से 22,000 निकल गया, तो मशीन 2 पे कितना बचा हमारा? 18,000। अब आप टोटल करोगे तो ये टोटल और ये टोटल इक्वल ही आएगा, 72,000। और आप इसको भी आप टोटल करेंगे, ये हो गया 20, 60 और 72। क्लियर है स्टूडेंट्स? 2 साल का हमने अभी निकाल लिया, 1 साल का हम और निकालेंगे। अब चलते हैं, ये हमारा 2015 का क्लोजिंग बैलेंस है, तो 2016 में ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। अप्रैल 2016 में हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया 2 बैलेंस CD मशीन 1 और मशीन 2। मशीन 1 का बैलेंस है हमारे पास 40,000 और मशीन 2 का बैलेंस है हमारे पास 18,000। क्लियर है? इस साल में और क्या एक्टिविटीज़ रही अब देखते हैं। 30 जून 2016 को पहली वाली मशीन ये बेच दी गई 38,500। बेची है तो हमारे पास कैश आ गया,
तो हमने मशीन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया बाय बैंक अकाउंट। हमारे पास कितना पैसा आया? 38,500। और 30 जून को ही एक और मशीन खरीद ली गई 50,000 की। आप ये मान लीजिए कि 30 जून को हमने क्या बैंक से पेमेंट दे करी है 30 जून 2016 टू बैंक अकाउंट। कितने की मशीन खरीदी है? 50,000 की। यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाय बैंक अकाउंट ऑन सेल ऑफ मशीन नंबर 1 है ये। ठीक है, और क्लियर कर दिया हमने, सेल ऑफ मशीन नंबर 1 30 जून 38,500। अब चलते हैं, पहले हम मशीन नंबर 1 का डेप्रिसिएशन निकालते हैं। ये कब बिकी है? इस फिर डेट को ध्यान रखिए, 30 जून को बिकी है। तो इसका इस इट मीन्स अप्रैल मई जून 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पे चार्ज करना है। कैसे लिखोगे आप यहाँ पे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन नंबर 1। कितना चार्ज करेंगे इसमें? 12,000 था पूरे साल का, है ना? इसका मतलब एक महीने का 1,000 रुपया है। तो आपने सिर्फ से तीन, क्योंकि जून में बिक गई है, सिर्फ 3 महीने का ही तो चार्ज करना है। 3 महीने का इसमें 3,000 रुपीज़। आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, 12,000 इंटू में 3/12, 3,000। क्लियर है? मशीन 1 का हमने डेप्रिसिएशन निकाल दिया, ये मशीन तो ख़त्म हो गई, इसको तो बिक गई। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने ये देखना है कि मशीन नंबर 1 में, जिसको हमने 38,500 में बेचा है, हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अब देखिए, 1 अप्रैल को इसकी वैल्यू थी 40,000, 1/4/16 को इसकी वैल्यू थी 40,000। ठीक है, इसमें डेप्रिसिएशन लगाया हमने 3,000। कब? 30 जून 2016 को 3,000। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी रह गई? इसकी वैल्यू रह गई 37,000। 37,000 वैल्यू थी और हमने कितने में बेची थी इसको? 38,000 में। सेल हुई हमारी 38,500 में। तो इस मीन्स हमें 1,500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। क्लियर है इतना? और प्रॉफिट हुआ है तो हम मशीन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 1,500 रुपीज़ से। क्या लिखेंगे? टू गेन अकाउंट, या P&L अकाउंट में चला जाएगा, P&L अकाउंट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी नंबर 1 भी लिख दीजिए आप चाहें। क्लियर है? हमें प्रॉफिट हुआ है तो हमने मशीन अकाउंट को डेबिट कर दिया है 1,500 रुपीज़ से। ये अमाउंट P&L अकाउंट में, क्रेडिट साइड में जाएगा। इन केस हमें 1,500 का लॉस हुआ होता तो हम मशीन अकाउंट को क्रेडिट करते 1,500 रुपीज़ से और P&L अकाउंट को हम डेबिट करते 1,500 रुपीज़ से। और आगे चलते हैं, अभी इसमें क्या क्या काम अभी बाकी हैं। अभी हमें इस मशीन की भी हमें डेप्रिसिएशन निकालना है, इस मशीन का भी डेप्रिसिएशन निकालना है। अब निकालते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन टू। मैं अभी यहाँ रफ वर्क के लिए इसको रफ कर देता हूँ। अब हम मशीन नंबर 2 पे डेप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट होगा ये देखते हैं। इसको हमने ख़रीदा था 1 अक्टूबर 2015 में, तो हमने 6 महीने का डेप्रिसिएशन 2,000 लगा दिया था। अब यहाँ पे क्योंकि इस मशीन को बेचा नहीं गया, अभी कंटिन्यू हो रही है वाली मशीन, तो इसमें पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। अगर 6 महीने का था 2,000 रुपया, तो पूरे साल का इट मीन्स कितना डेप्रिसिएशन आएगा? 4,000 रुपीज़। 4,000 रुपीज़ 20% ऑफ 20,000 रुपीज़, तो 4,000 रुपीज़ हमने यहाँ लगा दिया। अब आ जाइए डेप्रिसिएशन ऑफ एक और हमने मशीन खरीदी है, ये वाली मशीन, मशीन नंबर 3 है ये, 50,000 रुपीज़ की खरीदी 30 जून को। तो कितने महीने हो गए? 3 महीने निकाल दीजिए आप, अप्रैल मई जून निकाल दीजिए, तो 9 मंथ्स के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 50,000 रुपीज़ की कॉस्ट है, 20% हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, और हमें कितने महीने के लिए निकालना है? 9 मंथ्स के लिए निकालना है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 3, 4, 5, 7,500।
तो इट मीन्स डेप्रिसिएशन ऑन मशीन नंबर 3 इज 7500। अब देखते हैं हमारी बैलेंस वैल्यू कितनी रह गई। मशीन अब हमारे पास दो ही बची हैं, ये हमने डेप्रिसिएशन निकाला है कौन सी डेट का, 31 मार्च 2017। अब हम देखते हैं 31 मार्च 2017 को हमारी कौन कौन सी मशीनें बची हैं और उनकी क्या वैल्यू है। बाय बैलेंस सीडी मशीन नंबर, हम तो बिक चुकी है ये वाली मशीन, तो अब रही नहीं हमारे पास। अब एक मशीन बची है 20,000 वाली और एक ये बची है ये वाली, मशीन नंबर 2 बची है और मशीन नंबर 3 बची है। मशीन नंबर 2 की वैल्यू हमारे पास 1 अप्रैल 2016 में थी 18,000, इस पर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 4,000, तो इसकी वैल्यू कितनी रह गई, अब बैलेंस वैल्यू कितनी रह गई, 14,000। क्लियर है, आराम से बस करते चलिए। मशीन नंबर 3 की 50,000 की थी, हमने इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया 7,500, तो इसकी वैल्यू कितनी बची, 42,500। अब इस साइड का टोटल और ये टोटल बिल्कुल बराबर आना चाहिए, अगर नहीं इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब फिर से कुछ गलती हुई है, हमें चेक करना पड़ेगा। डेबिट साइड का टोटल देखते हैं, 58,000 प्लस में 50,000 प्लस में 1,500 109,500। क्रेडिट साइड का टोटल देखते हैं, 38,500 प्लस में 7,000 प्लस में 7,500 14,000 और 42,500 109,500। देखिए दोनों साइड का टोटल इक्वल आ गया, इट मीन्स हमारी ये वर्किंग सही है। तो ये था स्टूडेंट्स स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर एक इलस्ट्रेशंस, अच्छी इलस्ट्रेशंस थी। इसमें हमने 3 times पे मशीनरी परचेज करी और एक मशीनरी को बेचा भी है ड्यूरिंग द ईयर। अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिया है, अच्छे से समझ लिया है, तो मुझे नहीं लगता आप कभी गलती कर पाओगे इसमें। अगर ज़रा भी डाउट अगर आपको लगता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा। और हम अगला मेथड लेके चलेंगे अब, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के इस वीडियो में यही सफिशेंट है। आप इससे रिलेटेड आपके पास इलस्ट्रेशंस और भी बहुत सारी दी हुई हैं, बेस कंसेप्ट यही है आपका, आप उन इलस्ट्रेशंस को प्रैक्टिस करिए अपने आप। और अगले वीडियो में हम अभी मिलेंगे आपसे नए मेथड को लेके, जिसका नाम होगा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। देखते रहिए हमारे वीडियोस को, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।